मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्दी ही तमाम विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरे जाने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के रिक्त पद भरे जाने की कार्रवाई अब जल्दी शुरू हो जाएगी। शिवराज सिंह ने इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को पूरा करने के लिए अधिकारियों से कहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इन पदों में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक ने 3,272 पद, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग के आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में ITI प्रशिक्षण अधिकारियों के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत चौकीदार, वार्ड बॉय, क्लीनर, वाटरमैन, कुक जैसे पदों की भर्ती की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज ISECT यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।